नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने जाना था महावीर कर्ण का जन्म तथा रानी कुंती और पांडव के विवाह के बारे में। आइए इस एपिसोड में जानते हैं पांडव तथा कौरवों के जन्म के बारे में। महाराजा पांडव बहुत ही पराक्रमी एवं धर्मात्मा राजा थे। वे बहुत दयालु, दानी और प्रजा के हर सुख दुख के साथी थे। तभी देश की सारी प्रजा उनसे हार्दिक प्यार करती थी। एक बार राजा पांडु अपनी पत्नी कुंती एवं माद्री सहित शिकार खेलने गए तो रास्ते में किन्नम नामक तपस्वी मुनि मानव लज्जा के कारण पति पत्नी हिरण और हिरणी का रूप धारण कर संभोग आनंद ले रहे थे। पांडु राजा ने उन्हें अपना शिकार समझकर उन पर तीर चलाया। उसी समय हिरण के सीने में तीर लगा। वह संभोग आनंद को बीच में छोड़ फिर मुनि के रूप में वापस आए और उसी समय राजा को शाप दिया। हे राजन, जिस प्रकार तुमने संभोग आनंद के समय मेरा खून किया है, इसी प्रकार तुम भी स्त्री संभोग के समय ही मृत्यु प्राप्त करोगे। राजा पांडु मुनि का शाप सुनकर बहुत दुखी हुए। अपनी दोनों पत्नियों को मुनि के शाप के बारे में बताया। दोनों पत्नियों ने मुनि के शाप को तोड़ने के लिए उसी समय जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा की और वे सब नागस्थ पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। सबने मिलकर घोर तपस्या तो की, परंतु उनके मनों में यह भय तो हर समय लगा रहता था कि यदि वे ऐसे ही जीवन भर तपस्या करते रहें तो उनके वंश का क्या होगा। इस प्रकार तो उनका वंश ही मिट जाएगा, कोई पांडवों का नाम तक नहीं लेगा। दूसरी ओर मृत्यु का भय था जिसे मुनि ने शाप के रूप में दिया था। अब तो केवल अपनी तपस्या के बल पर ही संतान प्राप्त कर सकते थे। हुआ भी यही, वर्षों की तपस्या के बाद कुंती को धर्मराज की ओर से वरदान मांगने का आदेश हुआ। सुबह के समय स्वयं धर्मराज प्रकट हुए और बोले, कुंती, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, तुम अपना मनचाहा वर मांग सकती हो। महाराज, मुझे आप जैसी किसी धर्म पुत्र की ही इच्छा है, तभी तो मैंने इतने वर्षों तक केवल आपकी ही तपस्या की है। ठीक है, तुम्हारी यह मनोकामना अवश्य पूरी होगी, यह कहकर धर्मराज लुप्त हो गए। कुछ समय पश्चात धर्मपुत्र युधिष्ठिर का जन्म हुआ। युधिष्ठिर के पश्चात राजा पांडु और कुंती ने वासुदेव वरुण की पूजा करके उनसे भीम को वरदान के रूप में मांग लिया। भीम महाशक्तिशाली वीर था। उसके बचपन की यह घटना माँ कुंती को हर समय याद रहती। जब एक बार कोई शेर उनकी कुटिया में आ गया, कुंती शेर को देखकर भाग खड़ी हुई। जल्दबाजी में भीम एक पत्थर पर गिर पड़ा। भीम के गिरते ही वह पत्थर टूटकर बिखर गया। उसके टुकड़े सैकड़ों फुट दूर तक फैल गए। इसी प्रकार से कुंती के तीसरे पुत्र के रूप में अर्जुन का जन्म हुआ। अर्जुन राजा इंद्र के वरदान से पैदा हुआ था, इसलिए उसमें इंद्र जैसी शक्ति थी। रानी माद्री को भी वरदान में दो जुड़वा पुत्र नकुल और सहदेव प्राप्त हुए। इस तरह राजा पांडु पांच पुत्रों के पिता बन गए। दूसरी ओर गंधारी के पेट से 100 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनमें बड़े का नाम दुर्योधन था। इन 100 पुत्रों की कहानी बड़ी विचित्र थी। जिस समय गंधारी ने यह सुना कि कुंती माँ बन गई है, तो ईर्ष्या के मारे उसने अपना पेट पीट लिया। उस समय उसे गर्व था, जो पीटने से मांस के टुकड़े के रूप में बाहर आ गया। गंधारी उस मांस के लोथड़े को उठाकर बाहर फेंकने लगी तो उसी समय वेद व्यास जी प्रकट होकर बोले, गंधारी, यह तुम क्या कर रही हो? फिर गंधारी कहती है, जब मैं माँ नहीं बन सकती तो इन मांस के टुकड़ों को रखकर क्या करूँगी। उधर कुंती माँ बन गई और मैं बांझ की बांझ रही। गंधारी, इस मांस के टुकड़े को उठाकर 100 बार धो दो, बस हर बार तुम्हें एक पुत्र प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार गंधारी 100 पुत्रों की माँ बन गई। दुर्योधन के जन्म लेते ही आकाश पर हजारों गिद्ध मंडराने लगे थे। जंगल में गिदड़ आवाजें निकाल रहे थे। शहर के सारे कुत्ते रोने लगे। दुर्योधन के पैदा होते समय भयंकर तूफान आए, भूकंप आया, जिसके कारण पृथ्वी कांपने लगी। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।